हो रहा, ठंडा लग रहा। बोलो मम्मा को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह का व्यू आप लोग देख सकते हो। सुबह का नज़ारा ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब सुबह ना सुकून लगता है। सुबह का जो ताज़ा ताज़ा जो हवा होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। आजकल ना मतलब मेरा तो डेली सुबह सुबह ही नींद खुल जा रहा है, इसी की वजह से ना सुबह मैं थोड़ा सा टहल भी ले रही हूँ और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके और इधर उधर घूम फिर भी ले रही हूँ। और नहीं तो और आजकल ठंड भी मतलब स्टार्टिंग हो ही चुका है, ठंड भी चल रहा है। तो यहाँ पे सब लोग सुबह सुबह ना आग जला ही लेते हैं, क्योंकि बच्चे लोग हैं तो थोड़ा बहुत आग तापना मतलब होता है ना, कि मतलब वैसे भी खुशी भी एक जो अंदर से होता है ना उसकी वजह से भी मतलब होता है, थोड़ा बहुत उतना ठंडा भी ना रहे फिर भी आग जला लेते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बोलो गुड मॉर्निंग। बोलो मम्मा गुड मॉर्निंग। पैर 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 से सीखेगी? पैर से क्यों दुखता है अभी से? धुआं लग रहा है इन्हें ऊपर। अगर हम जूतों वाला पैर सो से। और उसके बाद यहाँ पे गाइस हम लोग थोड़ा सा रोड की तरफ गए थे टहलने के लिए। तो यहाँ पे जो बगल में घर है ना उसमें ना बहुत सारा जो मतलब डॉगी सब कुत्ता सब जो होता है ना बाहर इधर से उधर जो घूमता है वो सब ना मतलब बहुत सारा बच्चा सब दिया हुआ था। तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे कैसे घर में मतलब कहाँ रहता है, कितना सारा है। तो वही देखने के लिए हम लोग अंदर परी को दिखाने के लिए लाए थे। तो यहाँ परी देख देख के बहुत खुश हो रही थी। परी बार बार बोल रही थी मम्मा गोदी मम्मा गोदी गोदी में उठा के ले चलो घर, इतना मतलब कर रही थी ना बहुत ज़्यादा। और लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा जिद्दी आई हुई थी, बहुत खुश हो रही थी। तो यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे सब थे और ठंडा का टाइम है, तो ठंडा के टाइम में ना ऐसे बच्चे मतलब छोटे छोटे हैं तो इन लोग को रहने के लिए एक जगह भी चाहिए जहाँ ये लोग सेफ रहे, जहाँ थोड़ा सा ठंडा कम लगे। तो अंदर ना हम लोग अंदर जाके देख रहे थे कि कहाँ पे मतलब रहते हैं, मतलब इतना सारा कहाँ पे घुस के एक जगह समेट के रह रहा है। तो अंदर जाके देखे कि ना घर जैसा बनाया हुआ है थोड़ा सा छोटा सा, तो उसी में सब 5-10 जितना भी है ना सब उसी में घुस जाते। तो यहाँ मैं परी को भी लेके गई थी, तो परी को मैं दिखा रही थी और परी को ना बहुत अच्छा लगता है देख के, मतलब खुश हो जाती है देख के। तो आग उगताप के उसका थोड़ा सा अभी टाइम बहुत कम था, मतलब टाइम अभी बहुत कम हो रहा था, 6 बज रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था। तो 6 बज रहा था, जैसे कि देख ही रहे होंगे मौसम देख के भी पता चल जाए। और आजकल ठंड है तो ठंड की वजह से कुहासा जैसा, सुबह सुबह 5 बजे उठो ना तो पूरा कुहासा जैसा रहता है और अंधेरा जैसा रहता है। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे ना रूम जैसा बनाया हुआ, नीचे ना मतलब चौकी जैसा है। करिया कुत्ता ला देते हैं, देखिए उसको गोदी ले तुम लोग। किचन तो यहाँ, किचन तो हमें वही बोले, इधर ना इधर रूम है, इधर बाथरूम है। ओके, दो को फ्लैट बना हुआ है भैया। यहाँ दी देखिए है ना पिलवा। हाँ रे छोटो, जो हम ला देते ना मौसी घर देने से वहाँ नहीं था। चल बैठो चल, वो इतना मोट मोट था वो कुतवा। परी ले के जाएगी आज, देखो ना मोट मोट कुतवा वो है, देखो ना आज बोनी लेके जाएगी। हाँ परी छोड़ दो, चलो चलो गोदी बाबू उसको गोदी ले। हम नहीं, हम गोदी लेंगे, काट देगा हमको तो भैया लेगा गोदी। तुम ले लो। और यहाँ पे मैं आग तापते हुए ना मतलब आग तापते हुए थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग की थी, तो उसी का मैं थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे ऐड कर दी हूँ, लगा दी हूँ। तो यहाँ मैं परी हम लोग सब लोग बैठ के यहाँ पे आग ताप रहे थे। आग ना बहुत अच्छे तरीके से जल रहा था, क्योंकि सूखा हुआ लकड़ी रहता है ना तो जलता है अच्छे तरीके से। ऐसे भी मतलब ठंडा में सबसे ज़्यादा सुकून और सबसे ज़्यादा मतलब होता है राहत ना आग ही देता है, आग से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता ठंडा में। रजाई और आग मतलब यही दोनों है ठंडा के लिए, ठंडा बचाने के लिए ठंडा में सबको। तो अब तो मतलब छठ पूजा आज नहाई खाई हो गया, तो कल से मतलब सब करना है, तो कल से प्रसादी खाने के लिए भी जाना आना रहेगा। तो देखते हैं कहाँ जाते नहीं जाते, जहाँ जाएंगे ना दिखाएंगे ब्लॉग वीडियो में कि कहाँ हम लोग जाते हैं, और घाट का आपको व्यू ज़रूर दिखाएंगे डाल्टनगंज का।
तो पिछले साल भी मैं वीडियो बनाती थी कि उस टाइम मतलब था ना कि उतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं था कैसे शूट करना नहीं करना, मतलब उतना नहीं आता था, बहुत कम आता था, थोड़ा बहुत मैं कर करके मतलब रिकॉर्डिंग करके डाल देती थी और उसके बाद उसमें ना कॉपीराइट आ जाता था, तो मुझे फिर उस वीडियो को ना डिलीट करना पड़ जाता था, इसलिए ना बहुत दिक्कत लगा, समझ ही में नहीं आता था कि कॉपीराइट क्यों आता है, कैसे रिकॉर्डिंग करे नहीं करे, इस मतलब बहुत ज़्यादा कुछ भी नॉलेज नहीं था ना, बहुत ज़्यादा मतलब समझ नहीं था, तो इसी की वजह से ना अब इस बार मैं अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग करूँगी और आप लोग के साथ शेयर जरूर करूँगी। और उसके बाद बाहर से मैं अंदर आ गई तो यहाँ मैं चाय बना रही थी, चाय सबके लिए यहाँ पे हम लोग पीने के लिए बन रहा है, सुबह मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग ना सुबह चाय, सुबह के चाय से ही हम लोग का मॉर्निंग होता है, किसी के भी घर सुबह उठो ना तो चाय ही मिलता है, किसी के घर भी आप अगर जाते हो ना तो वहाँ भी देखोगे ना कि सुबह उठते हो तो सबसे पहले कोई भी मतलब ला के चाय देते हैं, चाय देने के बाद ही बेड छोड़ते हैं, या तो हम हाउस वाइफ का है कि हम ही लोग मतलब जेंट्स लोग का अलग बात है, नहीं लेडीज लोग का ना अलग बात है, लेडीज ही चाय बना के देती है ले जाके, तो फिर जेंट्स लोग का मॉर्निंग होता है सुबह सुबह उठ के काम ड्यूटी नहाना धोना सब कुछ स्टार्टिंग हो जाता है। तो यहाँ मैं परी के लिए ना एक कप ना दूध रख दी थी ताकि परी को दूध दे दूंगी, और हम लोग चाय पीते हैं ना तो वो भी कप में देख के ना खुश हो जाती है, पीने के लिए थोड़ा बहुत पी लेती है, तो मैं यहाँ पे 3 कप में ढारी, और मेरी मम्मी कप में बिल्कुल भी नहीं पीती, वो ना गिलास में पीती, तो मम्मी के लिए मैं ना गिलास में कर दी हूँ और हम लोग 3 जनों के लिए ना कप में। तो मैं यहाँ शांति से जाके बाहर जाके बैठ के मैं हम लोग सब लोग चाय पी लेंगे और उसके बाद काम काज जो भी है थोड़ा बहुत वो स्टार्ट होगा। तो मॉर्निंग के मतलब मॉर्निंग में अगर सुबह सुबह उठ जाना तो काम थोड़ा सा मतलब उतना रह रह के आप अस्थिर से कर सकते हो, उतना हड़बड़ी नहीं रहता है कि कभी मैं बना दी कभी भाभी बना दी कभी मतलब कोई मतलब हम लोग दोनों ज़्यादा मतलब ज़्यादातर भाभी बनाती है, ऐसे कभी कभी होता है कि मॉर्निंग में अगर सुबह मैं उठ गई तो मैं ही बना लेती हूँ, और मतलब कभी वो करती कभी मैं करती हूँ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब चाय हम लोग पिए हुए और उसके बाद मैं यहाँ बैठ गई, साग मतलब ढेर सारा साग था, ताज़ा ताज़ा साग था, और मुझे ना पालक का साग बहुत ज़्यादा पसंद है, पालक का साग और चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, और कितने जनों को अच्छा लगता है, कितने लोग को अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करके एक ना बार जरूर बताना कि आप लोग को साग और चावल अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है साग और चावल रहेगा ना तो कुछ और मतलब उसमें दाल तो भुंजिया कुछ भी कुछ का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वही अच्छा लगता है। तो मुझे पालक का साग बहुत ज़्यादा पसंद है, और कोई साग मुझे नहीं पसंद है, कोई भी और साग रहे ना तो मुझे नहीं, मैं नहीं खाती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। और फिर पालक का साग है ना कि मैं दाल में भी डाल के बनाती हूँ, और दाल में डाल के बनाती हूँ तो वो तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है, वो बहुत मस्त लगता है वो, क्योंकि उसमें ना मतलब लहसुन मिर्ची और जीरा से आप छौंक लगा दोगे ना तो वो मतलब बहुत अच्छा लगता है, उसका टेस्ट ही अलग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर मतलब पालक का साग अगर ज़्यादा रहता है ना तो मैं वैसे ही बना देती हूँ, आधा दाल में और आधा साग, तो आज जो ज़्यादा था लेकिन यहाँ पे लोग भी हम लोग हैं तो मतलब साग ही इतना मतलब उठ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी वजह से मैंने नहीं बनाया। और इधर मैं छौंक लगा दी हूँ साग के लिए, यहाँ ना लहसुन ज़्यादा मात्रा में डाली थी क्योंकि साग में ना लहसुन ज़्यादा रहता है तो अच्छा लगता है, और मिर्ची डाल दी थी, और उसके बाद धो साग को मैं 2-3 पानी से अच्छे तरीके से धोती थी झलरी में, क्योंकि झलरी में ना पानी पूरा अच्छे तरीके से गर जाता है, उसमें पानी रहता नहीं है, ठीक है, और उसमें मतलब गमला में अगर आप करते हो तो गमला में नीचे पानी रहता तो फिर किन किन टाइप का हो जाता है, इससे अच्छा है कि झलरी में आप अगर गाड़ोगे ना तो उसे पानी भी अच्छे तरीके से गर जाता है और किन किन भी नहीं रहता। और इधर मेरी प्रिंसेस को देख सकते हो, यहाँ पे पूरा एकदम उसमें लगा के ना रात में पूरा हीरोइन बनी हुई थी, मतलब खेल रही थी बच्चों लोग के साथ, और बच्चे लोग के साथ ना बहुत ज़्यादा खेलती है। तो साग अगर ताज़ा रहे ना तो साग में ना ढेर सारा पानी छूटता है, बहुत ज़्यादा पानी छूटता है, तो यहाँ देख सकते हो आप लोग कितना पानी छूट रहा है, तो साग में बहुत ज़्यादा पानी था क्योंकि ताज़ा साग था, और ताज़ा साग ना खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। कट करके और नमक डाल दिया, नमक डाल दो ना तो पानी छोड़ता है और फिर अच्छे तरीके से ये सीज जाता है। और टमाटर ना साग में टमाटर बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है, तो हम ज़्यादातर साग पालक के साग में डालते हैं लहसुन मिर्ची टमाटर बस, और कुछ नहीं डालते, और कुछ भी नहीं डालना रहता है। और उसके बाद कपड़ा सब जो था मैं छत पर लेके आ गई, यहाँ देख सकते हो मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई कि वो अपना कपड़ा ना खुद पसारने लगी है, तो यहाँ पे खुद ही अपना सारा जितना भी था ना निकाल निकाल के मेरे साथ ना पसार रही थी, मैं पसार रही थी और परी भी अपना दे दे के नीचे देते जा रही थी, उस पर देख सकते हो परी पसार रही है, और एक कपड़ा था ना कि नीचे अटक गया था तो वो पूरा जिद्दी करने लगी, फिर मैं देखी ना रट पे लटका हुआ था तो फिर मैंने उसको निकाल दिया, और यहाँ परी उसके बाद ना अपना जो छोटा छोटा था ना सारा मतलब पसारने के लिए जिद करने लगी, ये देख सकते हो मैं मतलब एक उसका ले ली थी ना तो उसके लिए पूरा हल्ला करने लगी थी, उसका ना पैंट था नीचे वाला टॉजर तो वही मतलब पसारने के लिए मतलब छीनने लगी थी हमसे। तो यहाँ देख सकते कितना मतलब बच्चे लोग होते हैं ना कि गार्जियन मतलब जिसको देखते हैं ना उसके जैसा करने के लिए खोजते हैं, जो जैसा सिखाता है ना बच्चे वैसे ही सीख जाते हैं, जैसे बड़े को अगर मतलब कोई कहता है ना कि वो उसको सिखा दिया हो तो वो बोलता है ना कि हम बच्चे हैं जो हमको कोई सिखा देगा, तो वही बात है कि बच्चे को जो सिखाया जाता है ना बच्चे वही सीख जाते हैं,
तो उसके बाद मैं यहाँ पे पैंट जुताना परी का ट्रेजर वो पूरा एकदम गंदा कर दी थी। तो फिर मैं गंदा मतलब ट्रेजर को ना वहाँ गाड़ने के लिए ले गई थी नल के पास, तो नल के पास मैं गाड़ के ले आई थी। और उसके बाद मैं नीचे आ गई और फिर परी का दवा लाने के लिए मुझे मेडिकल स्टोर जाना पड़ा। तो मेडिकल स्टोर मैं गई थी तो परी का वहाँ पे मेडिसिन सब ली और दिखवाई डॉक्टर से, क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था 2 दिन से। तो मैं सोची क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, तो फिर मेडिसिन ढेर सारा दिए थे तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि परी ना मेडिसिन लेती नहीं है और उसको पिलाने में ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और आते आते हम लोग को रात हो गया था, रात मतलब लेट ही हो गया था। और उसके बाद फिर घर आके सिर्फ ना मतलब कुछ भी काम नहीं था, सारा मतलब खाना पीना सब बन ही गया था, घर आए थे तो फिर उसके बाद खाना पीना सब बनना स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, 7:30-8 बज रहा था, तो हम लोग खा पी भी लिए थे, क्योंकि मतलब होता है ना कि जल्दी जल्दी मतलब खा पी के सो जाओ तो थोड़ा सा मतलब थकान हो जाता है, सुबह से शाम तक आदमी इधर से तो कुछ ना कुछ काम रहता ही है। और मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाने के बाद ना मतलब थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि बेड मतलब बेड पे थोड़ा सा भी जाने का टाइम नहीं मिलता, बेड पे मतलब रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, इसकी वजह से थोड़ा सा थकान जैसा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग सोचे कि मतलब ना खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद सब लोग अब रेस्ट करते हैं, क्योंकि परी को भी सुलाना था, परी का तेल मालिश करने में भी टाइम लग जाता है, क्योंकि परी का होता है ना कि मतलब दिन में अगर जगी हुई रहेगी ना तो तेल मालिश कभी भी नहीं करवाएगी, कभी भी किसी भी कीमत पर ना वो तेल मालिश नहीं करवाती। और अगर मतलब सोने का टाइम रह जाए, वो सो गई ना, तो वो पूरे अच्छे तरीके से आप उसको ना कितना भी तेल मालिश करो ना, वो मतलब थकान के वजह से, पता नहीं थकान के वजह से या तो उसको अच्छा लगता है इस वजह से वो उठती नहीं है, वो अच्छे तरीके से पूरा तेल मालिश कराती है। तो सिर्फ बर्तन धोना था रात का, तो बर्तन मैंने सारा बर्तन जितना भी था सारा मैंने खाली करके ले लिया है। और बोतल जिस बोतल में हम लोग रात में पानी पीते ना, एक बोतल हम लोग पानी भर के रखते हैं, क्योंकि रात बिरात बच्चे को भी प्यास लगता है और फिर मम्मी का भी दवा हुआ खाना रहता है, तो इसलिए एक बोतल हम लोग भर के रखते थे। फिर बोतल मैं क्या करती हूँ ना, डेली 1-2 दिन पे ना धो देती हूँ, क्योंकि बोतल भी है ना मुँह लगा के पियो ना तो वो भी स्मेल करने लगता है, और बच्चे लोग हैं तो परी है तो मुँह लगा के तो पिएगी ही पिएगी, इसी की वजह से ना मैं ना बोतल को भी हमेशा 1-2 दिन पे धो देती हूँ, कि ताकि वो स्मेल ना करे। तो यहाँ देख सकते हो मतलब मैं ना जो जिससे बर्तन धोती हूँ ना उसी का जो मतलब फेन जो होता है ना उसी से मैं अच्छे तरीके से उसको धो दी और बाहर से थोड़ा सा रगड़ दी ताकि वो साफ़ हो जाए अच्छे तरीके से। तो वो साफ़ हो चुका है गाइस, तो यहाँ मेरा बर्तन धुल गया है, तो सारा काम अब हो चुका है कंप्लीट। मैं अब जाऊँगी बेड पे और बेड पे मैं परी का तेल मालिश करूँगी और कुछ काम नहीं है, उसके बाद फिर हम लोग सब रेस्ट करेंगे। तो आज का ब्लॉग वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग छोटा सा एक कमेंट करके जरूर मुझे बताना। और मेरे चैनल पे नए आए होंगे तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो, बाय बाय।